हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है अष्टमी और दिन है शुक्रवार। तो अभी मैं लगा रही हूँ महावर, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो पूरा भी नहाना धोना सब कुछ हो चुका है और बच्चे भी नहा चुके हैं, क्योंकि बच्चों को ना आज कन्या के लिए मतलब जाना है घर के सामने ही, तो इसलिए बच्चे भी नहा चुके हैं, सब कुछ हो गया है, मतलब सभी लोगों ने नहा लिया है। तो पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा महावर लगा लूँ और एक नए डिज़ाइन का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो आप देख सकते कितना सुंदर लग रहा है। तो बस यहाँ पर महावर लग गई, उसके बाद मैं बनाऊंगी जाके यहाँ पर। और हमारे यहाँ ना अष्टमी पूजी जाती है, तो बोलो क्या नवमी पूजी जाती है बहुत लोगों के अष्टमी। तो मतलब अपना अपना रीति रिवाज है कैसे क्या करते हैं। तो हमारे यहाँ वही मतलब नौ देवियों के नाम की जो नौ जोड़े बनाए जाते हैं, मतलब 18 पूड़ियाँ, नौ जो मतलब एक जोड़े में दो होती हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ग्लास से काट करके फटाफट से बना ली, बहुत ही एकदम गोल, बहुत ही जल्दी। तो आपको भी इस तरह से बहुत जल्दी बनाना है स्पीड में, तो आप इस तरह से करिए और बहुत ही फटाफट बन जाती है, बहुत सुंदर भी लगती है, छोटी छोटी गोल गोल एकदम। तो यहाँ पर देखिए हमारी कुचैया, हम लोग क्या कुचैया बोलते हैं, किसी क्या अठवैया बोलते हैं, या फिर मतलब अपना अपना वो है। तो वैसे तो मैं इसके ऊपर रखने के लिए चने और हलवा और इस तरह से पूड़ी सब बनाती हूँ, और जिस दिन कन्या खिलाती हूँ उसी दिन मतलब ये बनाती हूँ और पूजने जाती हूँ। लेकिन आज मैंने इधर ही मतलब अष्टमी आज पूज ले रही हूँ, नवमी को कन्या खिला लूँगी, क्योंकि क्या है ना ये ड्यूटी गए हुए थे, तो मैंने सोचा ये भी घर पर रहेंगे तो एक साथ दोनों लोग करेंगे। तो इन्होंने फिर कल छुट्टी लगाई है नवमी के लिए, तो छुट्टी तो मिल गई है तो घर पर रहेंगे, तो उसी में मैंने बना लिया है घी डाल करके शुद्ध मतलब हलवा। तो कुल मिला के चने बने या ना बने, मैंने हलवा पूड़ी ही बना लिया, तो वो भी सफिशियंट है। और ये देख रहे हैं आप कंडी रखी हुई, तो कंडी मैंने लगा दी थी, तो आँच भी हो गई है हवन करने के लिए, अग्यारी करने के लिए। तो यहाँ पर सारी सब पूजा सामग्री सब कुछ रेडी करके मैं आ गई थी। फिर अब मैं कर रही हूँ माता रानी की पूजा, और अब बस एक दो दिन बचे हैं माता रानी को जाने में, तो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अभी देख रहे थे आप 8-9 दिन से कितना अच्छा लग रहा था, घर में एकदम वातावरण ही बदल जाता है माता रानी के आगमन से। तो यहाँ पर सब मैं फूल लेकर के ही आए थे सुबह सुबह ही, तो मैंने इनके लिए माता रानी के लिए माला वाला बनाई और यहाँ पर हवन किया। तो थोड़ा सा मैं ना अभी वो लेके आई थी लोभान वगैरह, तो उस वो सब चीज़ें मिला करके मैंने हवन किया इस तरह से, और लौंग के जोड़े चढ़ाए मैंने 9। तो बस ये सारी और पाठ भी किया। तो मेरा आप सबको पता ही है कि मेरा आखिरी अध्याय बचा हुआ था 13वां, तो बस 13 अध्याय करने के बाद क्षमा याचना कवच सब चीज़ें पढ़ने के बाद बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती, और हो रही है थोड़ी सी जल्दी क्योंकि अभी बज रहे हैं 9:30, तो मुझे जाना है मंदिर। तो बस यहाँ पर पूजा की थाली रेडी करके, और ये बच्चे ना मेरे तीनों गए हुए हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा ऐसे ही हल्का फुल्का नाश्ता चाय वगैरह बना के दे दिए, और मैंने अभी कुछ भी मतलब नहीं, मैं पूजा वूजा करने के बाद ही चाय या पानी लूँगी। तो बस यहाँ पर आ गए हम लोग मंदिर। तो हमारे जो घर के पास में आपने देखा ही था, मैं जब परेवा थी उस दिन भी मैं इसी मंदिर में आई थी। तो ये ना संतोषी माता का मंदिर है, तो ये जो बड़ी वाली माता है ये संतोषी माता है, और ये जो छोटी वाली माता है ये दुर्गा माता है, इसके बगल में इधर गणपति बप्पा हैं और भोले बाबा हैं बाहर, मतलब काफ़ी बड़ा मंदिर है और बहुत ही सुंदर साफ सुथरा सब अच्छा रहता है, बहुत मतलब अच्छा है। हमारे घर के बिल्कुल पास में हम लोग आराम से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हो रही है हमारी पूजा, उसके बाद घर जाऊँगी, तो फिर उसके बाद खाना पीना देखती हूँ क्या बनाना। और आज ना एक कुछ नई रेसिपी की तैयारी चल रही है, तो जो भी बनाऊँगी, वैसे ये जो मैंने भगवान जी का भोग बनाया माता रानी का, तो इसी से हम लोग नाश्ता कर लेंगे हलवा पूड़ी से, और उसके बाद मतलब मैं बनाऊंगी जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो डिश। तो चलिए कर लेते हैं भोले बाबा की पूजा, भगवान इसी तरह सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे भोले बाबा। तो बस हमारे तो नवरात्र ऐसे ही बीते हैं, अच्छे अच्छे खूब मतलब सब अच्छा ही रहा। तो आप सब के कैसे बीते हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारे
वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। तो यहाँ पर मैं तुलसी माता की पूजा कर लूँगी अब, और फिर उसके बाद जाएंगे। और यहीं से ना एक भाभी मिल गई हमें मंदिर में, तो वो बच्चों को लेकर के गई अपने घर कन्या खाने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं घर पर जो ना अकेले ही आई, तो मैंने यहाँ पर एक कप ले ली है चने की दाल और एक कप चावल। तो दोनों चीज़ों को ना मैंने सुबह ही गला दिया था जल्दी, तो बस दाल में मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी है और इसको खूब अच्छे से फाइन इसका पेस्ट बना लेंगे, पीस लिया है अच्छे से देखिए, और बस इसको अलग कर लेंगे। फिर इसी जार में हम पीस लेंगे चावल को। ये देखिए चावल भी हमारे गल चुके हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी जल्दी है तो आप गर्म पानी में दाल को गला लें, मान लीजिए अर्जेंट बनाना है। वैसे तो 1-1.5 घंटे में दाल खूब अच्छे से फूल जाती है पूरी, और आपकी दाल आराम से पिस जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यहाँ पर दाल और चावल को पूरे को हमने एक साथ कर लिया है एक बड़े उसमें। उसके बाद इसमें छोटा छोटा कट किया हुआ टमाटर, शिमला मिर्च, और अगर आपके पास गाजर या फिर गोभी या फिर प्याज वगैरह, तो हम लोग तो 9 दिन से पूरा प्याज खा नहीं रहते तो इसलिए नहीं डालेंगे, आप चाहें तो डाल सकते हैं जब आप खाएं। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद इसमें नमक टेस्ट के अनुसार, उसके बाद थोड़ी सी मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, थोड़ा सा हमने डाला है इसमें हल्दी पाउडर, उसके बाद जीरा। और मसाले ना बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालने हैं, बस नॉर्मल थोड़े थोड़े बेसिक मसाले डालने हैं। ये जितना सादा सिंपल बनेगा ना उतना ही इसमें ज़्यादा स्वाद आएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पैन केक, और पैन केक तो पैन में ही बनाया जाता है, लेकिन क्या बताऊँ आपको, मेरे पास तो पैन ही नहीं है, तो मेरे पास ये तवा है। तो इसको ना पैन में भी बना सकते हैं, तवा में भी बना सकते हैं, और कढ़ाई में बना सकते हैं, बेनिफिट ये है। तो हमारे पास तो भाई है नहीं, हम तो जो है वो आपके सामने है, कोई भी चीज़ छिपाने या बताने वाली बात नहीं है, कुछ भी आपसे छिपा नहीं है हमारा। तो इसमें फिर मैंने डाल दिया है 3 चम्मच के करीब दही, 3-3.5 चम्मच, और बस फिर से इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और बस 5 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट पे छोड़ा, जब तब तक मैंने और चटनी की सब चीज़ों की तैयारी कर ली। तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा घी फैला दें, और आपको बताऊँ ना नॉनस्टिक की खासियत कि अगर मैं घी नहीं भी डालती ना, तो फिर भी ये हमारा केक ना बहुत ही अच्छा बनता, और बहुत ही स्पॉन्जी बना था अंदर से, एकदम ब्रेड जैसा बहुत ही अच्छा बना था, खूब अच्छे से पक गया था। तो इसको फैलाने के बाद इस तरह से ढक देंगे, तो देखिए ये एक तरफ से अच्छे से खूब सिक गया। और मैंने ना बहुत कम तेल घी का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बोल रहे थे कम डालो थोड़ा सा, और बच्चों के में तो मैंने खूब डाल दिया। और ये ना मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, रियली आपको बताऊँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया था। तो आप भी एक बार बना करके देखिएगा, आपके घर में मुझे पक्का पता है आपके घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला नाश्ता है, और बहुत ही जल्दी बन जाता है सबसे बड़ी बात। तो कुल मिला के आज हम लोगों ने तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता कर लिया है, और आप कब कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, और जब करिएगा आपको अच्छा लगे तो उसके बाद लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारे पैन केक बन गए, और पता है 2 खाने से ही मतलब पेट भर जाता है, थोड़ा सा भारी हो जाते ना, जिससे मतलब पतले तो बन नहीं पाते, मोटे ही बनते हैं इसलिए। तो ये देखिए हरे धनिया की चटनी बनाई है मैंने, उसमें थोड़ी सी मूँगफली डाल के इस तरह से, और साथ में है सॉस। तो ये लीजिए आपके सामने पेश है एक और नई रेसिपी, जो कि मैंने आज बनाई है पैनकेक, चना की दाल और चावल से बनाया है मैंने ये पैनकेक, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। तो आप भी खाइए और इंजॉय करिए, और हाँ अभी तक ये देखिए, और साथ में है हरी चटनी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तो मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगी नहीं, टेस्टी मतलब अभी मैंने खाया नहीं है, अभी खाएंगे बाद में, इन्होंने खाया तो वही मुझे बताए हैं। तो आप भी खाइए, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिए, और हाँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन आ सकें, और आप हमारे चैनल को सबसे पहले देख सकें, हमारे वीडियोज़ को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही क्विक मतलब बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है, सुबह या शाम के नाश्ते में आप बना सकते हैं, बहुत ही फटाफट बनी है, बस चने की दाल और चावल को गलाना है और जल्दी जल्दी से बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है, बहुत ही स्पॉन्जी मतलब एकदम सॉफ्ट, काफी अंदर से फूला भी है बहुत अच्छा। तो जिस तरह से मतलब केक बनता है उस तरीके से ही बना है। तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, और यहीं पर मैं अपने वीडियो का करूंगी एंड। तो आप देख रहे हैं अगला ये बन रहा है, और इसको इस तरह से पूरा ढक करके ही बनाना है, आपने देखा ही ये वीडियो में।
मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। जल्दी जल्दी से लाइक करिए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सभी को रामनवमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, ढेर सारी खुशियाँ। तो रामनवमी कल है, तो ये वीडियो मेरी कल ही जाने वाली है, आप सबको पता है। तो आप सभी को भगवान राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह सब खुश रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे। तो मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, ध्यान रखिए अपना, गुड डे।